नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो देश की धराशायी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मेहनत करें, लेकिन वो खामखा भारत के आंतरिक मामले में दखल देते हुए कश्मीर की रट लगाए हुए हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही भारत के साथ सभी रिश्ते तोड़कर खीज निकालने वाले इमरान खान अब भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सलाह दी है, अगर उसे पीएम मोदी मान लेते हैं तो फिर पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान से गुजरा मोदी का विमान, बौखलाए पाक से नहीं पचा ये अपमान। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही खिसियाया पाकिस्तान कभी भारत से रिश्ते तोड़ता है तो कभी परमाणु हमले की धमकी देता है। उसकी इस धमकी को ठेंगा दिखाते हुए पीएम मोदी जब फ्रांस से लौटे तो उनका विमान पाकिस्तान के ऊपर से ही होकर भारत पहुंचा, जिससे पूरा पाकिस्तान चिढ़ गया। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि मोदी ने भारत से फ्रांस की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान सरकार को भी ये बात नहीं पची और इमरान सरकार में मंत्री फवाद हुसैन ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री भारत के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान के साथ कारोबार में भारत पाकिस्तानी रूट का इस्तेमाल करता है और इस पर भी पाबंदी लगाने की बात कैबिनेट की मीटिंग में उठी। कुछ कानूनी औपचारिकताएं बाकी हैं, ये फैसले विचाराधीन हैं। मोदी ने शुरू किया है और हम लोग खत्म करेंगे। पाकिस्तान की बेवकूफी उसी को पड़ेगी भारी, स्वामी ने मोदी को दी सलाह ऐसी करारी। रोटी नान के लिए रोएंगे पाकिस्तानी व्यापारी। नौसिखिया इमरान सरकार लगातार बेवकूफी भरे फैसले लेती जा रही है, उसमें से एक फैसला भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने का भी शामिल है, क्योंकि अगर वो हवाई क्षेत्र बंद करेगा तो भारत के पास भी समुद्री क्षेत्र में सख्त कदम उठाने का विकल्प खुला है। इस मामले में पाकिस्तान से निपटने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को खास सलाह दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को मेरी सलाह, अगर पाकिस्तान हमारे वाणिज्यिक और नागरिक विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को बंद कर देता है तो भारत को अरब सागर से होकर कराची बंदरगाह जाने वाले जहाजों के रास्ते को ब्लॉक कर देना चाहिए। स्वामी ने मोदी सरकार को अरब सागर का नाम बदलने की भी सलाह दी है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की जान है कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जान है। अगर भारत अरब सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के रास्ते को रोक देता है तो पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा, क्योंकि यह बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है। यहां से सालाना 2.5 करोड़ टन के सामान का व्यापार होता है, जो पाकिस्तान के कुल व्यापार का 60% हिस्सा है। ऐसे में स्वामी की सलाह के मुताबिक मोदी सरकार अगर अरब सागर से होकर जाने वाले जहाजों के रास्ते को ब्लॉक कर देती है तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से भारी नुकसान होगा। पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 140 दिनों तक अपना एयर स्पेस बंद रखा था, जिससे उसे करीब 688 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अभी तक किसी फैसले तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ एयर स्पेस बंद करने की धमकी भर दी है। बहरहाल, इस तरह की गीदड़ भपकी देने से बेहतर है कि पाकिस्तान को पीएम मोदी की सलाह मानकर अपने देश के लोगों के जनजीवन और आर्थिक हालात को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। गलत नहीं किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्टिकल 370 को समाप्त करना, यह हमारा कमिटमेंट था। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोगों की गवर्नमेंट बनी और हम लोगों ने उसे कर दिया। हमने देश की जनता के साथ धोखा नहीं किया, छला नहीं है। प्रारंभ से ही, जब से हम अस्तित्व में आए हैं, माने पार्टी के रूप में, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में, बराबर कहते रहे हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 समाप्त होगा और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट होगा ही होगा। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा सारे देश का। दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। और आपने देखा कि वो उसे हम लोगों ने कर दिया है।
सचमुच प्रधानमंत्री जी को इस साहसिक कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारी लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारे इस फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा। अरे लोग चाहते हैं आप क्यों परेशान हो? आप पहले टेररिज्म अपने यहां रोको, आप हमारे पड़ोसी हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बराबर ये कहा करते थे, भाई पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम लोग भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, बेहतर हों। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहो, तो करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी? और सारी दुनिया, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सवाल पर, मैं समझता हूं कि ऑन बोर्ड है, साथ खड़ी है, और उसको कश्मीर को लेकर अनावश्यक राग अलापने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पीओके में हो रहा है और जिस गैर कानूनी तरीके से वहां की जनता के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को उसकी चिंता करनी चाहिए। सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है। और मैं तो पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? हम, आप पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वो आप बोलते रहें और जानबूझकर बड़े प्लांड वे में कश्मीर के सवाल पर बराबर बयानबाजी करते रहें। दुनिया का कोई देश इसकी इजाजत उनको आपको नहीं देगा। पहले से ये बात तय थी, कश्मीर हमारा है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं था। जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और आर्टिकल 370 को जो हम लोगों ने समाप्त किया है, सचमुच आर्टिकल 370 को समाप्त करना ये हमारा इंटरनल मैटर था। और हमारी कुछ दिनों पहले अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनको डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, वहां के डिफेंस सेक्रेटरी से बात हो रही, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया और कहा कि नहीं, सचमुच यह कश्मीर का मुद्दा तो इशू, तो आर्टिकल 370 समाप्त करना तो यह तो आपका इंटरनल इशू है। उन्होंने भी खुद स्वीकार किया। और पाकिस्तान का कश्मीर में कोई लोकल स्टैंडाई नहीं है, कोई लोकल स्टैंडाई नहीं है, लेकिन फिर भी तरह तरह की बातें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के द्वारा की जाती हैं। हां, गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, पाकिस्तान, यह सब तो जहां तक है सब भारत के ही हिस्से हैं। 94 में हमारी मेंबर, हमारी पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन भी किया है इसके बारे में। और जहां तक लद्दाख को केंद्र शासित
प्रदेश बनाने का प्रश्न है। यह बनाते समय हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत की यह एक स्ट्रेटेजिक एरिया है और यहां की समस्याओं के लिए किसी भी हद तक जाकर हम समाधान निकालेंगे। हमारी यह कोशिश होगी कि स्थानीय स्तर पर ही यहां की समस्याओं का समाधान निकाला जाए और समाधान लद्दाख की समस्याओं का निकलेगा, मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं। और हमारे सीसी ने जो एक मांग पत्र दिया है उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं उन सारी चीजों को मैं देखूंगा, हमसे जो संबंधित होगा मैं उसका समाधान करूंगा और दूसरी मिनिस्ट्री से जो रिलेटेड होंगे वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भी मैं लिखूंगा ताकि यहां की प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो सके। और यहां तक इस इलाके की सबसे बड़ी चुनौती है हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड डिजर्ट क्लाइमेट, जिसका असर काफी जनजीवन और वातावरण पर पड़ता है, खासतौर पर जो लोग सुरक्षा बलों और सेना में काम करने के कारण यहां पर तैनात हैं उनकी कठिनाई और भी बढ़ जाती है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि डीआरडीओ की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जिसे बोलचाल की भाषा में एफडीआर बोलने लगे हैं, इन्हीं समस्याओं के समाधान के साथ साथ हिमालय की ऊंचाइयों और तन्हाइयों में देश की स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम को मजबूती देने का भी यह डीआरडीओ यहां पर बहुत ही प्रभावी तरीके से काम कर रहा है।